स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी दर्शकों अक्सर हमारे दर्शक क्या हैं हमसे फोन से कनेक्ट होते हैं और लाखों करोड़ों दर्शक ऐसे हैं जो हमसे मुलाकात करना चाहते थे और हम भी उनसे मुलाकात करना चाहते थे हम जानना चाहते थे कि वो कैसे खुद को फ़िट और फाइन रखते हैं कैसे उनका पूरा जीवन व्यतीत होता है कैसा उनका दिनचर्या होता है और कैसे वो ख़ुद का ख्याल रखते हैं अपनी फैमिली का वो कैसे ख्याल रखते हैं तो इन सारी बातों को जानने के लिए एक मुहिम सेहत और ज़िंदगी फैमिली ने चलाई है कि हम अपने दर्शकों के घर जाएँगे और उनसे ख़ास बातचीत करेंगे और इसी मुहिम के तहत आज हम पहुंचे हैं अपने एक दर्शक के यहाँ जिनसे हम खास बातचीत करेंगे तो चलिए बिना देरी किए उनका स्वागत करते हैं स्वागत है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगी आ, मैं अनिल कुमार और मैं बेसिकली बिहार पटना से बिलोंग करता हूँ और फाइन आर्ट की स्टडी करने के बाद मैं यहाँ दिल्ली में एज ए टीचर जॉब कर रहा हूँ जी और सब कुछ अब ठीक चल रहा है जी आपकी एज कितनी है आपकी फैमिली में कौन कौन है आ, मेरी एज फोर्टी टू है जी। और मेरे फैमिली में मिस, मेरी मिसेज और दो छोटे बच्चे हैं जी तो आपने जैसा कि कहा कि आप आर्ट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सारी जो हैं ये आपने खुद ही बनाई हैं जी हाँ है, बिल्कुल और कितने साल से ये आपको शौक है ये शौक तो कहा जाए बचपन से ही है बट इन फोर्स ये ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव अगो आया है दो हजार से मैं इस फील्ड में फुली डिवोटेड होके काम कर रहा हूँ जी तो आप खुद को कैसे फिट रखते हैं और आपको कौन सी बीमारी थी आपने क्या कुछ इलाज कराए हाँ एक्चुअली मेरे राइट शोल्डर में और कमर में और घुटने की परेशानी अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी जो कंधे की समस्या है वो 20 साल पहले से चल रही है और दुर्भाग्यवश जब मैं यहाँ दिल्ली आया तो सीढ़ियों से उतरते हुए दो से तीन बार मैं फिसल के गिर गया तो मेरे कमर में बहुत ज़्यादा चोट लगी और तब से कमर की परेशानी हो गई और बहुत मतलब शुरुआत में तो ऐसा हुआ कि मैं न ठीक से खड़ा हो पाता था न बैठने की इच्छा होती थी लेटे रहने में भी दर्द महसूस होता था अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी और चूँकि उम्र बढ़ने के बाद या कहने कुछ प्रोटीन विटामिन कुछ भी कैल्शियम वगैरह कुछ कमी हो तो मेरे घुटने की भी समस्या हुई सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में घुटने में दर्द होने लगा और जो कटकट -कट की आवाजें आती हैं वो आने लगी जी तो इससे मुझे काफी परेशानी हुई आपने देखा होगा मैं अभी थर्ड फ्लोर पे रह रहा हूँ तो इसपे चढ़ना और दैनिक कार्य करना ये काफी मुश्किल हो रहे थे जी, 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 जी। तो मैं काफी समय तक ग्राउंड फ्लोर में ही रहा और सौभाग्यवश मुझे जानकारी हुई आदरणीय सलमान जी के बारे में तो मुझे काफ़ी सुकून मिला कि अब कुछ राहत हो सकता है तो मैं यथाशीघ्र बिना विलंब किए उनसे संपर्क किया और संपर्क साधने के बाद जो दवाइयाँ दी गई वो अचंभित कर देने वाले तरीके से मुझ पर असर किया जो घुटने का दर्द है वो भी बहुत कम हो गया है कमर का दर्द भी काफ़ी रिलैक्स है और ये तो बहुत मामूली प्रतीत होता है जैसा कि मैंने बताया कंधे का दर्द से मैं इतना परेशान था कि पेंटिंग करते हुए ब्रश को मैं होल्ड नहीं कर सकता था पांच से दस मिनट होते ही इसमें इत, ऐसा पेन होता था कि मैं मानो कितना ज्यादा वजन उठा के थक चुका हूँ तो इस तरह से इस तरह की परेशानियों को मैं झेल रहा था फिर ये आ, टी केयर इसके लिए मुझे दिया गया और कुछ पेट की समस्या थी पी केयर दिया गया है ना तो इस तरह की जो मेडिसिन दिए गए मुझ पर काफ़ी मतलब उसका असर हुआ जी। और मैं अब काफ़ी अपने को फिट फील करता हूँ और दैनिक क्रिया में मैं आपको बताऊँ कि मॉर्निंग में छः बजे के अप्रॉक्स मैं उठ जाता हूँ उसके बाद योगा और फिजिकल एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक ये करता हूँ रूटीन वाइज उसके बाद फिर अपना फैमिली के साथ हैप्पी टाइम बिताना उसके बाद अपने जॉब पे जाना फिर जॉब से आने के बाद पहले क्या होता था बिफोर ट्रीटमेंट मैं काफ़ी टायर्ड होके आता था ऐसा टायर्ड होके आता था कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता नहीं। बस आओ फ्रेश हो लेट जाओ बैठने की इच्छा नहीं होती जी। लेकिन अब मैं जॉब से आता हूँ और थकान जैसी कोई चीज़ महसूस नहीं होती नहीं। नहीं। तो मैं आराम से बैठ के बच्चों के साथ समय भी व्यतीत करता हूँ जी और अपने आर्ट वर्क को भी काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय करता हूँ तो ये मतलब काफ़ी ईश्वर की कृपा कही जाए और हकीम सुलेमान सर की कृपा कही जाए कि उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया है कि मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ उनका जी आप सर उनसे जुड़े कैसे टीवी के माध्यम से जुड़े या फिर किसी ने आपको बताया फिर आप यूट्यूब के जरिए जुड़े एक्चुअली मेरे एक साथी हैं जो भी काफ़ी पीड़ित थे अपने शरीर के आ, दर्द से और उनके हाथों में भी काफ़ी स्वेलिंग हो गया था और वो भी बैठ नहीं पाते थे काफ़ी देर तक बैठ नहीं पाते थे नहीं। तो वो ट्रीटमेंट काफ कफ़ी कई सालों से ट्रीटमेंट वो ले रहे थे बट वो कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था उनका फिर उनका वो सुधार हुआ और तब उन्होंने मुझसे ये बातें चर्चा की जी तो साथी के माध्यम से मुझे जानकारी मिली और अब पहले वो बाइक पे बैठ भी नहीं सकते थे और अब जैसा कि उन्होंने बताया कि अब बाइक पे बैठ के खुद से ड्राइव करके यहाँ से नोएडा तक चले जाते हैं यानी 25 30 50 किलोमीटर आराम से बाइक को ड्राइव कर सकते हैं तो मुझे ये जानकारी मिली तो काफी अच्छा लगा उनकी उम्र कितनी होगी लगभग उनकी उम्र अप्रोक्स फिफ्टी फिफ्टी होगी जी तो यानी सर आप जो हकीम साहब के नुस्खे अपना रहे थे दवाइयाँ खा रहे थे आप उनसे पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन आपको है और हाँ, बहुत आराम है हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत आराम है मैं आ, इनसे पहले कई जगह दिखाया है तो लेकिन वो क्षणिक सुधार तो होता था है ना लेकिन जो रूट का का ट्रीटमेंट होता है वो नहीं हो पाता था वो दवाई छोड़ने के साथ ही कुछ दिनों बाद फिर से पनप पाता था तो बात वहीं वहीं रह जाती थी लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मतलब बॉडी में स्ट्रेंथ फिल हो रहा है पहले वो स्ट्रेंथ फिल नहीं होता था तो आपके घर परिवार में कोई और भी हकीम साहब के नुस्खे अपना रहा है या फिर आपने किसी और को इसके बारे में मैसेज दिया हाँ अभी तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हो पाया कि दवाई की जरूरत पड़े लेकिन कई साथी हैं हालांकि मेरे फादर ही हैं जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं और बीपी भी है उनको ठीक है तो उनको मैंने इसके बारे में सलाह दी है हालांकि वो एलोपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा पसंद करते हैं क्विक रिलीफ के कारण बट आयुर्वेदिक का जो इम्पोर्टेंस है वो आ, समझते समझते समझ में आता है तो मैंने उनको इसके बारे में बताया है तो उन्होंने शुरू भी कर दिया है हकीम साहब एक बात बोलते हैं कि आपको वक्त देना होगा क्योंकि जब भी आप नुस्खे अपनाएंगे आप यूनानी ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको सब्र रखना चाहिए तो सर आपने कैसे भरोसा किया क्योंकि यूनानी जब हम मेडिसिन लेते हैं या फिर हम नुस्खे अपनाते हैं तो व्यक्ति क्या है इतना वक्त नहीं दे पाता उसको लगता है कि हमें एकदम से रिलीफ़ चाहिए तो आपने ख़ुद को वक्त भी दिया आपने इंतज़ार भी किया तो ये संयम आपके लिए ऐसा तो नहीं रहा कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो गया है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं क्योंकि मेरी जो प्रवृत्ति है ना वो थोड़ा सा सात्विक और सांस्कृतिक जो अपनी विचारधारा है उससे मैं प्रभावित हूँ उस हिसाब से मेरी लाइफ चलती है तो मैं कभी भी उतावलापन नहीं रखना चाहता हूँ है ना तो मैं एक्चुअली इस तरह के साहित्य पढ़ता रहता हूँ अपने आयुर्वेद हैं यूनानी साहित्य हैं तो इस तरह की चीज़ों को मैं पढ़ता रहता हूँ तो इसके बारे में जानता हूँ कि ये समय लेता है है ना रूट जो जिस कारण से बीमारी हुई है उस जड़ को ख़त्म करने में क्विक तो हो नहीं सकता क्योंकि ये जो 20 साल से चला आ रहा है 20 साल से तो मुझे पता है शुरुआत तो उससे पहले हुई होगी तभी 20 साल में मुझे पता लगा तो ये इतने सालों से शुरू हुआ है उसके जड़ तक पहुंचने में तो काफ़ी समय लगेगा तो इसमें संयम तो आवश्यक है बिल्कुल तो हकीम इस... साहब को लेके आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हाँ हकीम साहब के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इनका जो इनके जो नुस्खे हैं इनका जो यूनानी पद्धति के बारे में जो गहरी पैठ है तो ये हम मरीजों के लिए या कहने की लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये और भी लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे ताकि मैं देखता हूँ अपने आसपास कई ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं बिल्कुल बट वो तो कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए तो ऐसा कुछ हो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो और लोगों में जल्द से जल्द जो है कुछ अच्छी बात है स्फूर्ति आए तो ये अच्छा रहेगा जी सर आपने कई बार ये भी सुना होगा कि मार्केट में क्या है असली नकली में पहचान करनी बड़ी मुश्किल हो रही है, है जिसको लेके हम लगातार अपने दर्शकों को सतर्क करते रहते हैं कि है, आप संभल के अगर मार्केट से कुछ भी खरीदना है ख़रीदिए क्योंकि नकल से होगी भरमार हो चुकी है नकल की जाती है जो भी इंट्रोड्यूस हकीम साहब तो करा देते हैं किसी भी चीज़ का चाहे वो गोंद हो चाहे वो सिरका हो तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ तो नहीं हुआ नहीं अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है लेकिन अदर प्रोडक्ट्स जो आयुर्वेदिक शॉप्स की होती हैं है ना जैसे शहद है या चैनप्रास है इस तरह की चीज़ें कई बार सटिस्फैक्ट्री नहीं रही हैं जो अदर कंपनीज की बताएं तो, तो तो ऐसा तो है मार्केट में कि नकली डुप्लीकेसी जो है ये काफ़ी है तो इससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जी। और थोड़ा सा जो इसके बारे में लोगों को अपने स्तर पे नॉलेज भी रखना चाहिए बिल्कुल क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सेहत से जुड़ी है और ये सारी चीज़ें जड़ी बूटियों से बनी हुई है इसमें कोई केमिकल्स नहीं है जी जी तो केमिकल्स नहीं जड़ी है जड़ी बूटियाँ हैं तो ये आपके खाने की चीज़ें हैं तो खाने की चीज़ें हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज हो तो आप अपने आप को बेटर रख सकते हैं ये अच्छा रहेगा अभी तक तो मतलब हुए हैं थोड़े बहुत और इस वजह से मुझे काफ़ी जानकारी भी हुई कि शायद कैसा होता है चून प्रास कैसा होता है या और दवाइयाँ कैसी होती या क्या होनी चाहिए आपको जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हाँ सभी दर्शकों को आ, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप को जो भी जैसी भी परेशानी है जिस तरह की भी परेशानी आप फील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो दूर हो जाए तो आप निसंकोच होके आप हाकिम सलीमान सर की क्लिनिक से संपर्क करें और मैं 100 परसेंट दावे के साथ ये कहता हूँ कि आप रिलीफ वहाँ मिलेगा आपको तो आप जितने भी दर्शक तमाम दर्शक आप देख रहे हैं आप ज़रूर ऐसा करें और उनका एक हाकिम सुलेमान सर का एक ख़ास बात है कि वो घरेलू नुस्खे बताते हैं जी घरेलू नुस्खे आपके घर में आपके किचन में ही दवाइयाँ हैं लेकिन आप उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते बस थोड़ा सा आपको समय देना है उसमें इंटरेस्ट रखना है और फिर आप भी एक अच्छे परिपक्व ज्ञाता हो जाएंगे इसके आप अपना ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे और अपने जानकारों का भी ट्रीटमेंट कर पाएंगे तो ये अच्छी बात है तो सभी दर्शकों से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस ओर अग्रसर होंगे हमारी जो प्राचीन सभ्यता रही है आयुर्वेद की और यूनानी जो आई है तो ये सब काफ़ी बेसिक और काफ़ी रूट का उसको ट्रीट करने वाली है तो इससे हमें जुड़ के इसका उसको समृद्ध करना चाहिए और इससे हमें अपने आप को लाभान्वित करना चाहिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात अनिल जी आपने यहाँ पे कही है कि जानकारी होती है तो हम किसी भी ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो कर पाते हैं और एक अच्छी जगह से हम संपर्क कर सकते हैं आपने अपना वक्त हमें कीमती इतना दिया और आपने अपने घर हमें बुलाया आपका बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इस योग्य माना थैंक यू तो दर्शकों आज हम पहुंचे थे अनिल कुमार जी के घर जिन्होंने अपनी बातें हमसे शेयर की और ये भी बताया कि हकीम साहब से जुड़ के अब वो खुद को कितना फिट रखते हैं फाइन रखते हैं कैसे अपने वो अपने परिवार का ध्यान रखते हैं और कैसे लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाते हैं कि अपना वो यूनानी ट्रीटमेंट से या फिर घरेलू नुस्खों के ज़रिए कैसे खुद को सेहतमंद बना सकते हैं अगले प्रोग्राम में एक बार फिर से आपके साथ मैं हाज़िर होंगी एक और नए दर्शक के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது